डॉक्टर मनु नीरज, अध्यक्ष महिला जागृति मंच। ये अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मिलावटी घी आ रहा है, देशी घी, और जो राजस्थान से आ रहा है उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मिलावट का धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, और लोग चला के अपनी दुकानें, एक दुकान से लेकर 10 दुकानें बना रहे हैं, और जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी अजंता स्वीट्स के खिलाफ हम गए थे, आपको याद होगा कि देशी घी की मिठाई डालडा की घी की बना के और देशी घी की करके बेच रहे थे। अभी हाल में इन्होंने किया है जो राजस्थान से मंगा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ 228 रुपए का बेच रहे हैं किलो। अब आप समझिए 450 रुपए किलो से कम का घी का कहीं भी नहीं देशी घी, तो ये 228 रुपए किलो कैसे बेच रहे हैं? आपकी बात क्या है? हमारी मांग ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जैसे कि रात का घी वालों के साथ इन्होंने ये किया है कि पीलीभीत में कार्रवाई हुई, बरेली में किसी ने छुआ नहीं है, प्रकाश घी हो गया और गोयल हो गया, ये बड़े बड़े लोग हैं जिनको छुआ तक नहीं गया है बिल्कुल। वाणिज्य करके अधिकारियों ने गाड़ी पकड़ी और उन्हें पता था 228 रुपए किलो का ये घी आ रहा है, वाणिज्य कर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो कि उन्होंने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की, और इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो, और अगर ये दोषी पाए जाते अविलंब इनका लाइसेंस निरस्त हो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।